हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केमो नाचो। बीकानेर पहुंचने तक की तो जर्नी देख ही ली आप लोगों ने, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? डे टू, थ्री और फोर में ये सब हुआ। तो इट्स डे टू इन बीकानेर। कल इंद्राज में खाना खाने के बाद हम लोग वापस होटल आए और फैल गए। अभी सुबह सुबह निकले, छोटू मोटू जोशी जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ नाश्ता टाइप करेंगे। तो प्लान तो हमारा ये था कि छोटू मोटू जोशी में जाके कचौड़ी खाएंगे, लेकिन एंड मौके पे, लास्ट मौके पे प्लान चेंज हुआ और हम लोग आए हैं अभी लालजी में। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग खमन से। लाइट थोड़ा सा स्वीट, और अब आ गए यहाँ के मेन खाने पे। ये है कचौड़ी, काफ़ी ज़्यादा लाइट है। ये दाल कचौड़ी है, वाओ, गर्मा गर्म। तो दिल्ली में आपने जलेबी देखी होगी कुछ ऐसी, लेकिन बीकानेर में यहाँ पे जलेबी का शेप कुछ अलग है। और ये जो आप साइड साइड में डिज़ाइन देखते हैं, उसकी वजह है माट, मतलब मैदा और माट को पानी में घोला जाता है और फिर बनाया जाता है, और उस वजह से ये डिज़ाइन आती है। लेकिन एक और कारण डिज़ाइन बनाने का ये है कि यहाँ के कारीगर कुछ इस हिसाब से ये जलेबी बनाते हैं कि कुछ ऐसा डिज़ाइन आता है। अगर आप बीकानेर में हो तो छोटू मोटू जोशी या लाल जी की कचौड़ी ज़रूर ट्राई करें। ऐसे और भी कई दुकानें हैं बीकानेर में, लेकिन ये दो दुकानें बीकानेर स्टेशन के एकदम पास में हैं। और क्योंकि हमारा स्टे बीकानेर स्टेशन के एकदम पास में था, तो हम लोग यहाँ वॉक करके आ गए थे। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, चेकआउट हो रहा है, सब कुछ सामान वामान ले लिया गया है। हम लोग निकल रहे हैं फिर नए एडवेंचर के लिए। वो एडवेंचर बहुत ही ज़्यादा घातक गर्मी वाला होने वाला है, क्योंकि इस कड़ी धूप में जहाँ पे टेम्परेचर 47-48 पहुँच जाता है, इस कड़ी धूप में हम लोग जाके शूट करने वाले हैं। देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। ओ हबीबी माशाल्लाह। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी अंदर हम लोग बैठे हैं गाड़ी में इसलिए पता नहीं चल रहा है, और भी सुबह का टाइम है इसलिए गर्मी बाहर भी थोड़ा सा कम है। जब हम लोग 11-12 बजे शूट करेंगे उस टाइम पे पता चलेगा हमें। तो करीब 1 घंटे के ड्राइव के बाद हम लोग पहुंचे अपने होटल। वहां पे रखा अपना सामान, उठाया अपना शस्त्र कैमरा, और फिर निकल पड़े अपने शूट लोकेशन पे। तो हम लोग अभी बीकानेर के गांव में है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस। सुबह 8 बजे से अभी 11:30 बज रहे हैं, हम लोग का शूट चालू है। मैं अभी जा रहा हूँ पानी लेने के लिए, सुबह से गर्म पानी पी रहे हैं। धूल भरी आंधी चल रही है, और किसी ने कहा है कि पानी के लिए लगभग 200 मीटर तक जाना है। पास में कुछ था नहीं, वहाँ पे कुछ दिख तो रहा है मुझे, मतलब कोक्स वगैरह की बोतल है। पानी मिल जाए बस, वहाँ पे मिल गई पानी की बोतल। मैं वापस जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोग का शूट है, बेसिकली कि स्कूल है वहाँ पे शूट है हम लोग का। और अब आगे का बताता हूँ मैं जैसे ख़त्म होता है शूट। इतनी गर्मी में हालत तो ख़राब हो ही गई थी, और पानी का सीन ये था कि हम लोग पानी की बोतल खरीद के लाते थे, उसे रखते थे, और आधे घंटे वो पानी की बोतल एकदम गर्म हो जाती थी, मतलब इतनी गर्म कि आप उसे पी नहीं सकते। लेकिन गर्मी इतनी थी कि मजबूरी में हमें वो पानी पीना पड़ रहा था। खैर, 2 घंटे यहाँ पे इस लोकेशन में बिताने के बाद हम लोग निकल पड़े फिर आगे। अपने ग्लूकोंडी की वो वाली एड तो देखी होगी जिसमें सूरज देवता बच्चे की एनर्जी खींच लेते हैं, ये वो वाली गर्मी थी। हम लोग को पसीना तो नहीं आ रहा था, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि हमारा सारा एनर्जी ड्रेन आउट हो गया था।
तो हम लोग का जस्ट अभी शूट खत्म हुआ है, गाड़ी में हम लोग बैठ गए हैं। धूप बहुत ही ज़्यादा तेज है और मेरे सामने ये सोलर प्लेट बिछी हुई है। ये देखो ये सारी सोलर प्लेट बिछी हुई है। वरुण सुगाथन अब सोलर प्लेट को छूने वाले हैं। सोलर प्लेट को छूना है, नहीं छूने वाला भाई। मेरे पास बहुत सी चीजें हैं और करने को लाइफ में, ये तो मैं नहीं कर रहा। छुलिया छुलिया छुआ मैंने छुलिया। ये देख ये लो, मैंने फिर छुआ, अब क्या कर लोगे? ए कौन है तेरे पीछे? कुछ नहीं हुआ ब्रो, कुछ नहीं हुआ। तो फाइनली डे वन का शूट खत्म हो गया, हम लोग आ गए अपने होटल में वापस। और थोड़ा सा मैं अपने रूम का एक टूर देता हूँ। यहाँ पे ये बेड है, एक दो तीसरा ये रहा। तो ये जो देख रहे हैं आप, टॉयलेट नहीं है, ये टॉयलेट ही है लेकिन लिखा कुछ ऐसे गया है। बालकनी दिखाता है आपको, बालकनी कुछ ऐसी है जिसमें जाली लगी हुई है। एसी चल रहा है नहीं चल रहा है वो पता नहीं, स्प्लिट एसी है। और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान और कीकड़ दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये था हमारा रूम और ऐसा था हमारा आज का दिन। तो इट्स डे थ्री इन बीकानेर और अभी का जो टेम्परेचर है वो है 33 डिग्री सेल्सियस। यही टेम्परेचर कुछ देर बाद यानी कि अभी से एक दो घंटे बाद कुछ समथिंग 46-47 पहुंच जाएगा और उतने टेम्परेचर में हम लोग शूट करेंगे। तीसरे दिन भी दो लोकेशन पे शूट था हमारा, तो निकल पड़े हम लोग अपने गर्मीय सफर पे। आज के दिन का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम एक स्ट्रेच में अपना शूट कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और उस गर्मी की वजह से हमारा कैमरा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जा रहा था, इतना गर्म कि हम इसे पकड़ नहीं सकते और कैमरे में बार बार हीटअप का साइन आ रहा था। तो इसी वजह से हम लोगों ने कैमरा बार बार ठंडा होने के लिए रखा, फिर उठाया, फिर दोबारा शूट किया और इसी में काफ़ी टाइम लग गया। तो इस स्कूल में दो दिन से शूट चल रहा था हमारा, अब जाके कंप्लीट हुआ है और टेम्परेचर अभी ये 46 डिग्री सेल्सियस और इसी टेम्परेचर पे हम लोग शूट कर रहे थे। अब जाके ये ख़त्म हुआ है, हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे और जा रहे हैं बीकानेर की तरफ और वहाँ जाके सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, वहाँ जाके फिर कुछ खाएँगे भी। तो बीकानेर हम लोग वापस आ चुके हैं और यहाँ से जाएंगे कुछ खाना खाने के लिए, लेकिन उससे पहले और उनको गन्ने का जूस पीना था तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं, गन्ने का जूस पियेंगे। साइड में रुको भैया, साइड में रुको बस। तो जूनागढ़ फोर्ट के ठीक सामने है ये रेस्टोरेंट गैलॉप्स रेस्टोरेंट और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो अब जाके अच्छे से पेट पूजा करेंगे यहाँ पे। तो दो दिन बीकानेर में बिताने के बाद आज का दिन मैं बीकानेर एक्सप्लोर करूँगा दोबारा से। एक बार मैं पहले कर चुका हूँ, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी शायद, अगर नहीं देखी तो आई बटन में जाके देख लीजिए बीकानेर एक्सप्लोरेशन की। आज मैं बीकानेर घुमाऊंगा करण और वरुण को, तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रामपुरिया हवेली से। तो फिलहाल वरुण आया मेरे साथ अभी, करण होटल में आराम कर रहा है। कल करण थोड़ा लेट सोया था और हम अभी तैयारी कर रहे हैं गिम्बल से रामपुरिया हवेली का एक सिनेमैटिक शॉट लेने का, जो कि सिनेमैटिक शॉट मेरे चैनल में भी आ सकता है अगर रिक्वेस्ट करे। पेटीएम कर दियो 2000 रुपये अभी।
तो गाइज यहाँ पे डिमांड हो चुकी है, 2000 रुपये पेटीएम मांग रहे हैं मेरे से। आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो कुछ पैसे आए तो फिर मैं कुछ अच्छे शॉर्ट्स दिखा पाऊँ। तो रामपुरी हवेली का जो ये ट्रायंगुलर पॉइंट है जो कि आपने हर जगह देखी होगी बीकानेर की फोटोज में, उससे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। ये यहाँ से लेकर पूरा आगे तक हेरिटेज स्ट्रीट है। तो रामपुरी हवेली और जो बाकी हवेली है बीकानेर की वो देखने में दूसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन मन नहीं भर रहा यार, क्योंकि यहाँ की हवेली है ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मतलब इतनी डिटेल्ड वर्क है यहाँ के, आप दीवारों पे जो कार्विंग देखेंगे काफ़ी खूबसूरत है यार। मतलब एक बार आपको लाइफ में आना तो यहाँ बनता है। तो गाइस एक बहुत ही तगड़ा रील बनाने वाला है वरुण, और ये रील देखने को मिलेगा आपको वरुण के इंस्टाग्राम अकाउंट में, जो कि मेंशन कर दिया मैंने नीचे। मैं बैठा हूँ अभी एक विंटेज कार में और मेरी एक रील बनाई जा रही है। मेरे जो एक्सप्रेशन अभी कैच हो रहे हैं वो आएगी रील्स में। रामपुरी हवेली की फुटेजेस लेने के बाद और देखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पिएंगे लस्सी। धूप भी काफ़ी हो रही है, थोड़ा सा कूल डाउन करेगा। यहाँ से चाय पत्ती स्टार्ट है। ये है जूनिया महाराज की दुकान, जो कि चाय पत्ती की सबसे फेमस दुकान है, और यहाँ की कचौड़ी खाने लोग दूर दूर से आते हैं। कचौड़ी यहाँ की जो बनती है वो वर्ल्ड फेमस है। यहाँ की बीकानेर की जो नमकीन होती है ना वो पूरे बीकानेर में फेमस है, वो पूरी हिंदुस्तान में फेमस है। तो यहाँ से लेकर आगे वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ भुजिया की दुकान है, और इस जगह को बोलते हैं भुजिया बाजार। और आपको लगभग यहाँ पे 15 से 20 शॉप दिखेंगी जो सिर्फ और सिर्फ भुजिया बेचती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक नंबर भुजिया है। हाँ। ये तीन नंबर है। अच्छा, ये मारवाड़ी मिक्सर है। अच्छा, एक और जो आपने दिखाई थी ये वाली, ये करोड़पति। अच्छा, ये करोड़पति भुजिया है ये। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं हल्दीराम भुजिया वाला। ये है यहाँ पे हल्दीराम की सबसे पुरानी दुकान, और कहते हैं कि हल्दीराम की शुरुआत इसी दुकान से हुई थी। ये सबसे पहली दुकान है हल्दीराम की। तो अभी इस दुकान में सिर्फ और सिर्फ ये भुजिया बिकती है, भुजिया। लेकिन पहले यहाँ पे प्रोसेसिंग होता था, मतलब भुजिया बनती थी भुजिया यहीं पड़ेगी, यहाँ से शुरू चालू। अच्छा, काफ़ी पुरानी दुकान है। पुरानी दुकान अभी इधर फूड कोर्ट वगैरह अभी लगवाई थी, बाकी पुराण से करने पड़े। ये वो पाटा है, ये वही गिद्दी है, ये वही गल्ला है, ये वही सेठ जी का बहुत पड़े। तो अब भुजिया बाजार से निकल रहे हैं हम लोग और अब जा रहे हैं होटल की तरफ वापस। वहाँ से हम लोग करण को पिक करेंगे और जाएंगे जूनागढ़ किला की तरफ। तो आगे वापस हम लोग होटल, और भुजिया भी ले लिया हम लोगों ने, कुछ मेरे हैं कुछ करण के हैं, वरुण ने नहीं लिए। बोल ले भाई, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत सही, मजा आ गया। सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आया? फिर वो गाड़ी के ऊपर, मैं तो बोरा के लग रहा हूं यार, बोरा तो मैं ऊपर ही। भाई करण तूने बहुत कुछ मिस कर दिया। मैं हंबल, क्या बोलते हैं उसे, बोल। गाइस वरुण और करण अभी हाइपरलैप्स बना रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे वीडियोग्राफी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 200 रुपीज़ अलग से पे करना पड़ेगा। और एक और इन्फॉर्मेशन कि 1 मई 2022 से जूनागढ़ फोर्ट का एंट्री फी हो गया 100 रुपये, उससे पहले 50 रुपये था। ये मेरा तीसरी बार है जूनागढ़ फोर्ट आने का, सबसे पहले मैं आ नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास वॉलेट नहीं था। दूसरी बार मैं आया जिसमें मैंने एंट्री फ़ी दिया 50 रुपये, और इस बार जब मैं आया तो एंट्री फ़ी था 100 रुपये। मेरी पिछली बार के जूनागढ़ फोर्ट की विज़िट में मैंने ये वाला पार्ट मिस कर दिया था, और यही पार्ट किले का सबसे खूबसूरत पार्ट है। ये है करण महल, जिसे महाराजा करण सिंह ने बनवाया था औरंगज़ेब से लड़ाई में फ़तेह करने के बाद। यह है फूल महल,
जिसे राजा राय सिंह ने बनवाया था और यहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। और ख़ास बात यह है कि इन पेंटिंग्स पे किए गए रंग अभी तक बरकरार है। यह है अनूप महल जिसे महाराजा अनूप सिंह ने बनवाया था और यह है बादल महल जो कि मुझे सबसे खूबसूरत भाग लगा जूनागढ़ किला का। तो ये किला घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। अगर आप लोग सुबह सुबह यहाँ पे आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप लोग दोपहर में आते हैं तो आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, फ्लश हो जाएगी और आप इतने अच्छे से घूम नहीं पाओगे जैसा कि अभी मेरे साथ हो रहा है। और मेरे साथ ये भी हो रहा है क्योंकि मैं पहली बार नहीं घूम रहा ये किला, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, इतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, लेकिन करण और वरुण के लिए थोड़ा सा फैसिनेटिंग है। यहाँ की दीवारें देखना, मेरी बढ़िया बढ़िया फोटोज़ क्लिक की जा रही है, आशा है मेरी एक अच्छी डीपी बनेगी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पर हाँ, कुछ कहना चाहोगे आपने? कुछ कहानी भी है शरबत चाहिए, शरबत चाहिए मुझे, शरबत चाहिए, शरबत चाहिए, मोहब्बत और शरबत दोनों चाहिए। जूनागढ़ फोर्ट से हम लोग निकल चुके हैं और आप जा रहे हैं चुन्नीलाल शरबत में, वहाँ पे पियेंगे शरबत। शरबत बता रहे भैया 1939 से ये शॉप यहाँ पे है, चौथी पीढ़ी है। तो ये आ गए हम लोग चुन्नीलाल तनवर और यहाँ पियेंगे हम लोग शरबत। ये चंदन है, देखो ये कैसा लगा पहले तो ये बताओ। बहुत बढ़िया, ये सफेद गुलाब, आ रहा फ्लेवर। चीज़ तो ये करण लेके आया है खस, ये खस है, खस। चीयर्स भाई, चीयर्स। तो इतने सारे शरबत ट्राई करने के बाद फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पियेंगे सफ़ेद गुलाब। और अगर आप लोग बीकानेर आ रहे हैं तो यहाँ चुन्नीलाल तनवर जी के शॉप में ज़रूर आएँ, यहाँ पे इनकी शरबत ट्राई करें पहले, उस पर जो पसंद आई वो आप पिए, और चाहे तो आप इनकी बोतल भी घर ले जा सकते हैं और वहाँ भी बना सकते हैं। बनाने का प्रक्रिया ये है कि आप 25% शरबत मिलाएं, उसमें 75% आप पानी मिलाएं या फिर सोडा मिलाएं और फिर पिए। तो चुन्नीलाल तनवर जी के शरबत पैक करा लिए हमने और सुबह सुबह करण ने रामपुरिया हवेली नहीं देखी थी तो इसको दोबारा यहाँ पे लेके आए ये हवेली दिखाने के लिए। तो कुछ ऐसे बीते मेरे 3 दिन बीकानेर में, बहुत गर्मी थी लेकिन काफ़ी मज़ा आया मुझे करण और वरुण के साथ ट्रैवल करने में। इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ अगले व्लॉग में। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 969 है अभी, 31 चाहिए 1000 के लिए।